जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। काफी सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं अभी। इस बीच में भाई एक नया फोन लॉन्च हुआ था, जिसको भाई साहब आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कमेंट करके कि ये बजट फोन कहाँ ही आ रहे हैं, पोको M4 Pro 5G। तो मैंने कहा मंगा लेते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस कैसा है। और बिहाइंड द सीन मेरे को एक चीज याद आ रही है, थोड़ा सा ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं अपने टाइम में दिन भर ना लॉन्चर लगाता था अलग अलग फोन के अंदर, कभी एंड्रॉइड को मैं iOS बनाता था, कभी उसको विंडोज फोन। खैर जाने दो iOS वाले, मतलब शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ये फोन सही से बताऊं तो आपको ही पता है कि Redmi Note 11 सीरीज का कोई फोन था, उसी के जैसा सिमिलर सा है। बट यहाँ पर बजट में मैटर ये नहीं करता, मैटर ये कर जाता है कि भाई प्राइस क्या है। डेफिनेटली ये कम प्राइस पे आया, 15,000 के नीचे 464 14,000 में मिल जाएगा। और मुझे ये 464 इनका ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, उसी के हिसाब से मैं पूरा जजमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि आप सोचो 14,000 में आपको भाई ये Dimensity 810 मिल जाए, UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाए, और LPDDR4X रैम मिल जाए, 7-7 5G के बैंड भी मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा यूज़ कर लिया जाए। दो तीन दिन थोड़ा यूज़ किया गया फोन को बीच बीच में, और फोन पे भी काम चल रहा था, इस पर भी काम चल रहा था। तो अब आपसे शेयर करता हूँ सब कुछ इसके बारे में, और बॉक्स के अंदर दिखा देता हूँ क्या क्या है। वैसे क्विकली सा, मतलब अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ फोन बाहर निकाला था, चार्जर निकाला नहीं मैंने, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारे चार्जर पड़े हैं 33 वोल्ट के। तो 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर मिलता है, और एक मिल जाएगा जाहिर सी बात है Type-A to Type-C केबल, एक चीज़ और मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर। तो मेरे पास वैसे जो ये कलर है ये येलो वाला कलर है, तो मेरे को लगा मतलब ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे है काफ़ी सारे कलर, पसंद की बात है, अपने अपने मैट फिनिश के साथ आता है। प्लास्टिक बैग डेफिनेटली, प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा आपको इस रेट में। बट मैंने जब दो तीन दिन यूज़ किया तो भाई मुझे लगता है वो ब्लू वाला जो कलर आता है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी भाई फोन डेफिनेटली दिखने में अच्छा लगता है। देखो झूठ वूठ बोलने वाली बात नहीं, बट इन सब रेट में इतने इतने बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले फ़ोन आ जाते हैं आजकल, महंगे वाले फोन पे डाउट होने लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं कई बार। और जरूरी चीज़ें भाई, आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, और डुअल स्पीकर मिल जाता है। अभी स्पीकर की क्वालिटी पे आऊँगा। और जो जरूरी चीज़ें ना 3.5 mm जैक और सारा वॉल्यूम बटन पावर बटन यही मिल जाएगा, साइड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि मस्त काम करेगा। इसके अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है, और ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, या तो दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। ट्रिपल स्लॉट होता तो ज़्यादा बेटर था बजट फोन में। और डुअल स्पीकर जो मैंने आपको बताया, ये देखो नीचे मैंने बंद कर दिया तो ऊपर आवाज़, ये नीचे आवाज़। सो ना ऐसे 80% साउंड भाई मेनली नीचे नीचे से आती है, ऊपर 20% साउंड के आसपास है। बट डेफिनेटली भाई जिस रेट में आता है 15,000 से नीचे सब डुअल स्पीकर देते भी नहीं है, और सिंगल स्पीकर से लाउड है। बाकी भाई बेसिक चीज़, बेसिक तो नहीं है वैसे, ये जो इसके अंदर आपको मिलता है ना हैप्टिक फीडबैक सॉलिड वाला, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है। और मैंने जितना फ़ोन यूज़ करके देखा भाई, बैटरी बैकअप मस्त है, 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, और फोन 195 ग्राम का है, तो 200 ग्राम के नीचे है 5000 mAh बैटरी, तो ओवरऑल फिजिकली काफ़ी सही है। एंड फ्रंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है, और ये है एक 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, और 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ आता है। और इसके डिस्प्ले नीड्स की बात करें तो भाई इट्स नॉट लाइक, बहुत ज़्यादा ब्राइट फील नहीं होता आउटडोर में, बट आपका काम चल जाएगा, और इंडोर में ब्राइट है डिस्प्ले। और साथ में ये पोको लॉन्चर के साथ आता है ना MIUI 12.5 के साथ, तो मैंने इसमें नोटिस किया एनिमेशन ना पहले से, ये फ़ोन मतलब मैंने पहले भी शेयर किया होता कि MIUI 12.5 की वजह से एनिमेशन फास्ट हुए हैं, तो जो जिटर वगैरह है ना बहुत ही कम हो चुके हैं पहले से। वो 15,000 के फ़ोन में हल्का फुल्का आपको अगर दिखता भी है तो आप इग्नोर कर सकते हो भाई, ऐसे कंप्लेन करेंगे तो कोई फ़ोन नहीं ले पाओगे 15,000 से नीचे। तो देखो रिसेंट एप्लीकेशन क्लियर कर दिया ना, तो जैसे मैं ये कैमरा ओपन करूँगा तो इतना टाइम लेता है, उसके बाद अगर मैं सेटिंग ओपन करूँगा तो ऐसे मतलब ठीक है, स्पीड वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है जो एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च होती है ना यहाँ पे। और भाई एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, ये पोको लॉन्चर लगा रहता है। अभी पोको लॉन्चर में भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलते, मुझे तो नहीं दिखा दो तीन दिन में एक भी। बाकी यहाँ पर आपको जो ग्राफिक सेटिंग है वही 810 के साथ पहले ही बताया कि आपको 40fps मिलता है। 40fps पे अगर आप गेम खेलते हो तो बढ़िया गेम चलता है, फोन ओवर हीट नहीं करता। मुझे मार के मरूंगा बस। तो 60fps पे डेफिनेटली ज़्यादा स्मूथ ही फील होगा, वो तो कोई मतलब कहने वाली बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना पड़ेगा, और 15,000 से नीचे 40fps पे सही है। और मतलब यहाँ पर कुछ ब्लोटवेयर मिलते हैं, मैंने कोई भी अनइंस्टॉल नहीं किया था ताकि आपको दिखाया जा सके। जैसे ये मौज है, इसका मौज करने मुझे बड़ा मज़ा आता है, हो गया मौज। सो काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, बाकी इनका गेट ऐप और ये सिक्योरिटी वगैरह तो रहता ही है, आपको पता ही है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। एंड गूगल डायलर है, तो रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा। वन मोर थिंग, वाइड वन 11 के साथ आता है, सेंसर सारे देखने को मिल जाएंगे आपको। और मुझे ना कमेंट मिला था कि भाई आप ना वाईफाई कॉलिंग के बारे में नहीं बताते, तो दोस्त ये ना सभी फ़ोन में मिलता है, यहाँ भी मिलेगा,
देखो अभी वाईफाई कॉलिंग ही चल रही है, तो मतलब ये ऐसे फीचर हैं जो बिल्कुल बजट फ़ोन होते हैं ना उनमें बताया जाता है। अब अभी ये आम बात हो गई है, ये सब सभी फ़ोन में मिलता है, इसीलिए फिर वो उन चीज़ों पे बार बार बात नहीं करता मैं। उसके बाद नंबर आता है भाई कैमरे का, तो यहाँ पे ऐसे दिख तो रहे हैं आपको 5 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। अच्छी बात है ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ नहीं लगाया, बट डिज़ाइन में लगा दिया भाई, क्योंकि यह मार्केट में एक मन में लोगों को होता है दिखना चाहिए, इसी चक्कर में 2 2 मेगापिक्सल चेप दिए जाते हैं आपको। लेकिन हाँ 50 और 8 काम के दोनों कैमरे हैं, साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। और सिमिलर फोन जब मैंने टेस्ट किया था, अब यहाँ पे जजमेंट चेंज होने वाली है क्योंकि अब ये बजट में आ चुका है, तो यहाँ पे जजमेंट कुछ ऐसी है। सेल्फी कैमरा की फोटोज अच्छी आती है, बट याद रखना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फोटोज आती हैं, बाकी ओवरऑल फोटोज ठीक आ जाएंगी। मेन कैमरे से मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी। अच्छा आपको एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने ना ऐसे मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, जैसे ऊपर देखो ये लाइट है, मैंने ये पहले मेन कैमरे से फोटो क्लिक किया, इमेज प्रोसेस होगी अभी थोड़ी देर में, उसके बाद मैंने अल्ट्रा वाइड से भी क्लिक किया, अल्ट्रा वाइड ने भी क्या किया इमेज को प्रोसेस किया, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल में भी लाइट वगैरह बैलेंस कर लेता है। उसके बाद मैंने कुछ अलग अलग फोटो क्लिक करी है मेन कैमरे से, ये अल्ट्रा वाइड से, अगेन मेन कैमरा, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो डिसेंट टाइप की फोटोज मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है इस रेट में सभी फोन में। बड़े मुश्किल होता है मुझे समझाना 15,000 से नीचे के कैमरे फोन में, आपको जो 15,000 के आसपास के फोन मिलते हैं ना, डेफिनेटली इनमें कैमरा बहुत ज़्यादा टारगेटेड नहीं होता, तो ये बजट बजट का खेल है। फुल HD 60 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, हालांकि स्टेबलाइजेशन जैसे ये 60 FPS पे है ना, तो यहाँ पे देखो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी, 30 FPS पे शूट करोगे तो स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और ये सेल्फी वीडियो से शूट हो रहा है, फुल HD 30 FPS तक का आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलती है, पीछे बिल्डिंग वगैरह या मेरा फेस पे जो कलर्स हैं या फिर पीछे धूप आती है, तो कुछ तरीके से इस रेट में डायनेमिक रेंज बैलेंस करने वाले से बहुत तगड़े वाले नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल सेल्फी में तो मुझे अच्छा लग रहा है। सो कुछ ऐसा सा कैमरा कॉम्बिनेशन है, मुझे मतलब इसका फाइनल कंक्लूजन टाइम आ गया जो कि मुझे आपको देना चाहिए। देखो भाई, अगर 15,000 से नीचे आपका बजट है और थोड़ा आप उस टाइप की यूजर हो कि परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा आप टारगेटेड रहते हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर, UFS स्टोरेज ये सब मैटर कर जाता है ऐसे यूजर के लिए। वहीं पर अगर आप हायर वेरियंट की तरफ देखते हो चाहो तो आप देख सकते हो, बट हाँ हायर वेरियंट में फिर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, लाइक AMOLED डिस्प्ले, तो सारा खेल बजट का है। 15,000 से नीचे भाई मुझे तो सही लगा, फोन अच्छा लगा, जितना हो सकता था काफी कुछ शेयर कर दिया आपको इस फोन के बारे में। बाकी अगर आपको तो किसी दिन मिड रेंज फोन की भी मतलब कोई कंपैरिजन वगैरह लाया जाए बजट में, और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बीच में सब्सक्राइब करवाना बोलना भूल गया मैं, पर कोई बात नहीं, कल फिर याद दिलाऊंगा। लेकिन मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।